अस्सलाम वालेकुम। अम्मी के खानों में आपकी अम्मी आपके सामने आज फिर एक बहुत मज़े की डिश लेके आई है, जो ईद की मुनासबत से मैं बना रही हूँ। ईद पे तो आपके पास कुर्बानी वाला गोश्त होगा, उससे आप जो है वो बनाएंगी चीज़, लेकिन ये मैं कुर्बानी वाले ईद से पहले आपको रेसिपी दे रही हूँ। मैं तो बना रही हूँ चिकन में, ठीक है, लेकिन आप इसमें मटन की बड़ी बड़ी बोटियाँ ले सकते हैं और बीफ ले सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे। तो ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। मैंने तो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस वक्त मेरी मजबूरी है कि मेरे पास इतना मटन अवेलेबल नहीं था ना बीफ था कि मैं बड़े बड़ी बोटियाँ उसकी बना के, तो मकसद आपको रेसिपी देना है। अच्छा, रेसिपी में मेरे दो तीन चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर दूँ। ये एक्चुअल कबायली पुलाव बना रही हूँ, काबली पुलाव। वो अक्सर लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे हमारा पुलाव बनता है, चिकन पुलाव बनता है, उसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और कह देते हैं कि जी ये जो है ना काबली पुलाव है। नहीं, काबली पुलाव की जो एक्चुअल रेसिपी है वो आज मैं आपको दे रही हूँ। इसको आप फॉलो करें और फिर उसके बाद आप देखें कि उसका क्या रिजल्ट है। और ये किसी भी आप अफगानी बंदे से, इसे आप अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं, काबली पुलाव भी कह सकते हैं। और ये इसमें चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि ये किशमिश है, बादाम धो के छील के मैंने छील लिए थे, आलू बुखारे हैं, पिस्ता है, ये थोड़े से वो हैं, ये अखरोट हैं, थोड़े से काजू, ये भी। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये इतने ज़रूरी नहीं है डालने कि ये हर हालत में आप डालेंगे तो ही आपका बनाएगा, अफगानी पुलाव बनेगा या काबली पुलाव बनेगा। और ये आलू बुखारे हैं, खुश्क आलू बुखारे हैं, ठीक है। जो ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, उसमें ये किशमिश होती है, ये आलू बुखारे होते हैं और इसमें ये गाजरें होती हैं। ये गाजरें मैंने काट के ना इस तरह साइज में मैंने काट दी हैं, और काटने के बाद और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने ना यखनी उबाली है अभी फ़िलहाल। ये यखनी सिर्फ मैंने इसमें ये बड़े बड़े चिकन के मैंने पीस लिए हैं। इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज डाल लिया है, तीन चार लहसुन के जवे डाले हैं, पानी डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला है, जिसमें आधा चम्मच जीरे का, एक बड़ी इलायची, दो तीन टुकड़े दालचीनी के और दो तीन लौंग और तीन चार काली मिर्चें थी, वो मैंने डाल के जस्ट सिर्फ नमक डाल के इनको सिर्फ मैंने उबाल लिया है। अब उसके बाद मैं अगला क्या प्रोसीजर करने लगी हूँ उसके लिए मैं फिर आपको अब दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको, और मैंने पुलाव के लिए प्याज काट ली है, ये देखें छोटी है, ये देखें छोटी छोटी बारीक प्याज काट ली है। ये चीज़ें मेरी अब सारी तैयार हैं। अब अगला मैं आपको स्टेप बताने लगी हूँ कि मैंने क्या करना है। जी, तो मैं अब पैन ले लिया मैंने, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं ये किशमिश डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। किशमिश को मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है, ये मैंने किशमिश को ले लिया इसको फ्राई करने के लिए। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। हाँ, जरा मीडियम ही रखेंगे कि जल ना जाए हमारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हमने किशमिश को हल्का सा फ्राई करना है। ये मैंने बादाम भी इसमें डाल दिए, ये बादाम भी डाल दिए, इसको भी हल्का सा मैंने फ्राई करना है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये जरा सा इसका ना कच्चापन निकल जाए। काजू भी अंदर डाल दूंगी और ये अखरोट भी हैं थोड़े से, ये भी डाल दूंगी। ये बस हल्का सा मैंने फ्राई करके ना इनको बस निकाल दूंगा है। ये मैं जो भी काम कर रही हूँ आप लोगों के सामने कर रही हूँ। अच्छा, किशमिश के अलावा ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो आपको मर्जी है, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग आजकल शोशा ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें किशमिश फ़ौरन फूल गई है, किशमिश देखें फूल गई है फ्राई करने से। बस ये मैंने ये फ्राई कर लिया, अब मैं इसको उतारती हूँ। अब उसके बाद मैं इसमें गाजरें डालूंगी। अच्छा जी, अब ये मैंने नट्स सारे निकाल दिए, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये गाजरें। ये एक लास्ट में जूस होता है काबली पुलाव का, जो अक्सर लोग नहीं डालते और वो ड्राई फ्रूट्स डाल के समझ जाते हैं कि जी आपका ये काबली पुलाव या अफगानी पुलाव तैयार है। और उसके अंदर ये थोड़ी सी एक चम्मच भर के मैंने चीनी भी डाल दी है। ये चीनी एक चम्मच और ये थोड़ा सा आधा चम्मच, बस ये मैं चीनी डाल दूंगी थोड़ी सी और इसको
सा ताकि चीनी और गाजर आपस में जले नहीं, जरा सा पानी डालूंगी बस, इतना सा होगा कि ये खीरा सा बन जाए। ये गाजर बस इसमें थोड़ी सी गल जाएंगी। आप यकीन करें कि इतना लजीज पुलाव बनता है, इतना मजेदार बनता है। ईद पे आप ये अपने सबके साथ शेयर करें और बनाएं, खिलाएं, खाएं। तो चंद सेकंड्स के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गाजर थोड़ा से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, मैंने अब एक और पैन ले लिया, ठीक है। वो गाजर मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी है, गाजर मेरी अभी पक रही है। बस दो मिनट में उसको टाइम दूंगी और उसके बाद मैं उसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैंने और पैन लिया है, पैन को जो मैंने यखनी बनाई थी, और वो मैं आपके सामने मेंशन कर दूं कि यखनी मैंने थोड़ी सी पकाई है, चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, पकाया नहीं था मैंने चिकन को ना बहुत ज़्यादा। अभी मैं इतना ऑयल डाल रही हूँ कि जिसमें मैं अपना चिकन भी फ्राई कर सकूँ और फिर बाद में मैं पुलाव भी इसी ऑयल में बनाऊँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चिकन के जो टुकड़े थे मोटे मोटे, अब असल में इस डिश की रिक्वायरमेंट यही थी कि छोटे टुकड़े मैं नहीं कर सकती थी, इसके बड़े ही टुकड़े ही इसको चाहिए थे, इसमें वो फ्राई करने थे, इसलिए मैंने बड़े ही टुकड़े लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को सही चीज़ का पता चल जाए। अच्छा, मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँ कि काबुली पुलाव असल में शुरू में अफगानिस्तान में शुरू हुआ था बनना, और जो बहुत चरित्र और वेल्दी लोग थे वो ये बनाते थे, वो चावलों के अंदर गाजरें लोग थे वो ये बनाते थे, वो चावलों के अंदर गाजरें और ड्राई फ्रूट्स डालते थे, और काफ़ी अमीर लोग जो होते थे वो बनाते थे। फिर बाद में ये आहिस्ता 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 बहुत कॉमन होता गया और अब तकरीबन हर घर में ही बनते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अब सबके पास लोगों को नए नए खाने खाने का भी शौक़ हो गया है, जायके भी नए नए वो करने का शौक हो गया है। ये देखें, ये मैं सारा चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं सिर्फ 2 कप चावल पका रही हूँ, इसलिए मैंने इतने ही पीस लिए हैं। अगर मुझे ज़्यादा चावल चाहिए, अगर आपके लोग ज़्यादा हैं, आप 2-3 मुर्गियाँ ले सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं, और आप मटन भी ले सकते हैं, मटन या बीफ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं आपको चिकन में करके दिखाती हूँ, रेसिपी आप तक पहुँच जाए, फिर बाद में जो है ना आप लोग बना लीजिएगा, जिस अंदाज से चाहें बना लें। ये गाजरें मेरी तैयार है, बस मैं चार गाजरों के नीचे चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने इतनी ही देर गाजरों को पकाया जितनी देर आपके पास मैं खड़ी रही हूँ जी। तो मेरा चिकन देखें फ्राई हो रहा है, अब मैं इस मौके पर इसको निकालूंगी, पर ये बहुत फ्राई हो गया, मैंने इसको ड्राई नहीं करना, इसका जूस अंदर बरकरार रहे ये जहन में रखिएगा कि इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना हमने, चिकन का अंदर जूस रहे। इसी तरह आपने बीफ या मटन भी जब फ्राई करना है तो इतना नहीं फ्राई करना कि वो बिल्कुल ही वो हो जाए, ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, क्योंकि हमने चिकन का जूस बरकरार रखना है। ये देखिए अभी अंदर इसका जूस मौजूद है। चलें जी, अब मैं अपने नॉर्मल पुलाव की तरफ आती हूँ। इसमें मैंने फिर प्याज को गोल्डन करना है इसी ऑयल में जिससे मैंने अभी चिकन को किया था। जी, प्याज मेरी अब पिंक हो गई है, तकरीबन गुलाबी हो रही है। अब उसके बाद मैं इसमें चिकन की जो मैंने बोटियां निकाल के फ्राई करके जो मैंने निकाली थी वापस डाल दूंगी, ठीक है। ये वापस मैंने डाल दी, और उसके बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी यखनी, जो मैंने चिकन का चिकन की जो मैंने यखनी बनाई थी आप लोगों के सामने, अब वो मैं इसको छान का जो चिकन की जो मैंने यखनी बनाई थी आप लोगों के सामने, अब वो मैं इसको छान के इसके अंदर डाल दूंगी। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब ये डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसमें वो जो मैंने नट्स फ्राई किए थे आपके सामने सारे, अब वो मैं डाल दूंगी आलू बुखारे समेत। आलू बुखारे उसे कहा मैंने नहीं फ्राई किए थे, अब आलू बुखारे भी डाल रही हूँ, ठीक है, और ये नट्स भी आपके सामने सारे डाल रही हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब एक उबाल आएगा,
एक उबाल आएगा तो उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। नमक मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँ क्योंकि दो कप चावल हैं, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा पानी वाला नमक मैं एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं, अभी से ही देखिए कितनी माशाल्लाह खूबसूरती इनमें नज़र आ रही है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे तरीके से मैंने चावल धो लिए थे, अब इनको मैं पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, चावल कच्चे ना रहते हैं, थोड़ा सा मैं एक कप जितना पानी उबाल लूंगी। चावल में पानी इतना होना चाहिए कि आपके चावल उसमें आधे आधे इंच तक डूब जाए। अब मैं इनको इसको ढक के रखूंगी और फिर मैं आपके सामने से दम पे लगाऊंगी। दम से पहले मैं इसमें गाजर का मुरब्बा डालूंगी। अभी आप देखिएगा मैं अगला क्या प्रोसीजर करने लगी। जी अब मैं खोलने लगी हूँ इसका, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो आखिरी अपने मराहिल में हैं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 2 मिनट के लिए और मैं इसको रखूँगी। चले जी ये मैं खोल रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे दम के लिए बस तैयार है मेरे चावल। अब मैं इसको दम करूँगी। अच्छा ये कबली फ्लाओं की एक और भी हिस्ट्री आपको बताती चलूँ कि ये जो जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई बानी होता है, इसी तरह कबली फ्लाओ का जो बानी था असल में अबू अली सीना साहब थे जो ईरान के बहुत बड़े मुफक्किर और आलिम थे, और उन्होंने पहले ये इसका इसको करने का तैयार करने का सेहरा उन्हीं के सर पे जाता है। ये मेरा तैयार है, मैं इसको दम के लिए रखूंगी। चावल बिल्कुल बहुत अच्छे दम के लिए तैयार है। अब इसको मैं हल्की आंच पे रखूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट ताकि मेरे चावल बहुत अच्छे से नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और चावल खिले खिले भी होंगे। ये मैंने तवा रख रही हूँ। तवा रखने के बाद अच्छा अब ये देखेंगे आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप ये गाजर का जो बना हुआ है शीरे के साथ ये आप अभी डालेंगे या आप बाद में सर्व करते हुए। मेरे लिए आइडियल टाइम है इस वक्त सर्व करने डालने का क्योंकि गाजरें जरा सी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा शीरा है, ये थोड़ा सा शीरा है और ये गाजर की सारी गाजरें जो है मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। और ये बड़ा बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की चीज़ है जो मैं आपको ये रेसिपी देने दे रही हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी ज़रा मैं इसको दम पे रख रही हूँ, आँच में थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे दम खोलने के बाद। चावलों को मेरे बहुत अच्छा दम आ चुका है, अब मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा दम आ गया चावलों को इस वक्त, और मैं आपके सामने अब चम्मच चलाऊंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा चावल, बाजरे भी सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें हर चीज़ ने सही बिल्कुल अपना वो ले लिया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो मेरी ये डिश तैयार है, देखें ये मैंने चिकन है इसमें सारे नट्स भी आ गए हैं, आलू बुखारे भी हैं, किशमिश है, और ये मैंने टमाटर थोड़े से काट के डाल दिए हैं। आप चिकन को देख रही हैं किस तरह अच्छा ये गल चुका है और बहुत इस वक्त ये टेस्टी एक चीज़ है, और इंशाल्लाह आप अपने साथ दूसरों को भी खिलाएं और दुआओं में शामिल रखिएगा। ये थोड़ा सा मैं आपके सामने ये देखें ये चिकन किस कदर बेहतरीन गला हुआ है। ये चिकन और भी डालते हुए भी मुझसे वो हुआ है, और थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगी आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत मजे का टेस्ट है, बहुत लजीज। इसमें खास एक महक, हल्की सी मिठास, बिल्कुल मामूली सी मिठास है, और नमकीन भी है और मिठास भी है, और उसमें नट्स का मजा भी आ रहा है, गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये काविश कैसी लगी। अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।